आज का टॉपिक है कन्वर्टिंग ऑक्टल टू डेसिमल, कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, एडिशन इन बाइनरी नंबर सिस्टम, सब्ट्रैक्शन इन बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7। बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8। एनी डिजिट इन दिस सिस्टम इज ऑलवेज लेस देन 8। ऑक्टल नंबर सिस्टम इज यूज्ड एज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्ग बाइनरी नंबर्स। कन्वर्टिंग ऑक्टल टू डेसिमल। सेट द ऑक्टल नंबर इंडिकेटिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ट्रेट द प्लेस वैल्यू एज एक्सपोनेंट ऑफ द बेस 8, विच may be indicated as 8 power 0, 8 power 1, etc. Now multiply each of them with the octal numbers respectively. Add all the resultant numbers which gives the decimal equivalent of octal number. अब इस पूरे को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल वन में हमने लिया है कि 45 एक ऑक्टल नंबर है जिसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। सेट द ऑक्टल नंबर। फर्स्ट हम लोग 4 और 5, 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 8 करेंगे। इसके बाद है इंडिकेटिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ इच डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। प्लेस वैल्यू हम यहाँ से देंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं 8 का प्लेस वैल्यू 0 है, तो इसके ऊपर हम एक्सपोनेंट 0 देंगे। यहाँ पे 8 का प्लेस वैल्यू 1 है, तो इसके ऊपर हम एक्सपोनेंट 1 देंगे। फिर 4 इंटू 8 एक्सपोनेंट अगर 1 है तो इसका वैल्यू होगा 8। 5 इंटू 8 पावर 0, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। इसके बाद 4 इंटू 8 32 प्लस 5 इंटू 1 5 है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 37। इस तरह ये कन्वर्ट हुआ डेसिमल नंबर में, जो कि आया 37। एक और एग्ज़ाम्पल है 7014, इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। 7 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8। अब इस 8 का प्लेस वैल्यू 0 है तो एक्सपोनेंट दिए 0। इस 8 का प्लेस वैल्यू 1 है तो एक्सपोनेंट 1। 8 का एक्सपोनेंट होगा 2, यहाँ पे 8 का एक्सपोनेंट होगा 3। 7 इंटू 8 का एक्सपोनेंट 3 है तो उसका वैल्यू आएगा 512। 0 इंटू 8 एक्सपोनेंट 2, 8 इज आर 64। यहाँ पे हम 64 लिखेंगे, यहाँ 8 पावर 1 है तो यहाँ 8 लिखेंगे, 8 पावर 0 तो ये हुआ 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3584 आया, 0 इंटू 64 0 आएगा, 1 इंटू 8 8 आएगा, 4 इंटू 1 4 आएगा। अब इन सभी को हम लोग ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा आया 3596। तो 7014 ये ऑक्टल नंबर डेसिमल में कन्वर्ट हुआ 3596। हेक्साडेसिमल नंबर 60 सिस्टम। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ 16। इन दिस सिस्टम द 10 डिजिट 0 to 9 एंड द 6 लेटर्स A to F आर यूज्ड। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में A जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है 10 के, B इक्विवेलेंट होता है 11 के, C 12, D 13, ई 14 और एफ 15 के इक्विवेलेंट होता है। तो ये टोटल मिला के 16 हो जाते हैं। अब है कैसे हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल को डेसिमल में। सेम प्रोसेस है, सेट द हेक्साडेसिमल नंबर इंडिकेटिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ इच डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ट्रेड द प्लेस वैल्यू एज एक्सपोनेंट ऑफ द बेस 16। Now multiply each of them with the hexadecimal numbers respectively. Add all the resultant numbers which gives the decimal equivalent of hexadecimal number.
इसे भी हम एग्जांपल के द्वारा देखेंगे। 3a है, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है जिसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो 3 को तो हम 3 लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। यहाँ पे a का वैल्यू होता है 10, तो 3 × 16 और a की जगह हम लोग यूज़ करेंगे 10 × 16 power 0, सेम है। राइट से हम लेफ्ट की ओर जाएंगे, प्लेस वैल्यू 16 का 0 है, तो ये आएगा 1 और यहाँ पे 16 power 1 है, ये आएगा 16। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 48 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा और इसका वैल्यू आंसर आएगा 58। एक और एग्जांपल है E7A9, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है जिसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। E का वैल्यू होता है 14, 14 × 16, फिर 7 है, 7 × 16, A का वैल्यू होता है 10, 10 × 16, फिर 9 है, इस 9 × 16, 16 का प्लेस वैल्यू 0 है, तो यहाँ एक्सपोनेंट 0 होगा, प्लेस वैल्यू 1 है, एक्सपोनेंट 1 होगा, प्लेस वैल्यू 2 है, एक्सपोनेंट 2 होगा, प्लेस वैल्यू 3 है, इसका एक्सपोनेंट 3 होगा। इसको फिर हम कैलकुलेट करेंगे, 14 × 4096 +7 × 256 +10 × 16 +9 × 1। कैलकुलेट करने के बाद आता है मल्टीप्लाई करने पे 57344 1792 160 एंड 9। अब इन सबको हम ऐड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 59305। नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन इन बाइनरी नंबर सिस्टम। एडिशन करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम हम जानते हैं, 2 होता है इसमें रिप्रेजेंट करता है और 0 और 1 होता है इसमें। तो इसके कुछ रूल्स हमें ध्यान याद रखने होंगे। 0 + 0 = 0 होता है, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0। हम 0 लिखेंगे और कैरी करेंगे 1, 1 + 1 + 1, ये आता है 1, हम 1 लिखेंगे और कैरी करेंगे 1। अब एक एग्जांपल के द्वारा यहाँ हम देखेंगे कि हम लोग कैसे ऐड कर रहे हैं 2 नंबर को। ये 2 नंबर हैं 111 और 110। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 111, उसके बाद 110। वन प्लस ज़ीरो, 1 + 0 यहाँ पे होता है 1, हमने 1 लिखा। 1 + 1 होता है 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। 1 + 1 होता है 0, लेकिन यहाँ पे हमें 1 + 1 तो करना है, लेकिन हमारे पास कैरी भी है 1, तो 1 + 1 + 1 होता है 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और हमारा कैरी हो रहा है 1, फिर इसे हम यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह आंसर आया 1101। अब दूसरा एग्जांपल है, ऐड करना है हमें 1010 को 1001 से। ज़ीरो प्लस वन हमारा होता है 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। 1 + 0 हमारा होता है 1, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। 0 + 0 होता है 0, 0 लिखेंगे। 1 + 1 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 + 1 = 0, यहाँ 0 लिखेंगे और कैरी होता है हमारा 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। अगर यहाँ पे कोई और डिजिट होता तो हम उसके साथ इस 1 को ऐड करते, पर यहाँ डिजिट कोई भी नहीं है, इसीलिए 1 को ऐसे ही हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन इन बाइनरी नंबर। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन के लिए हमें जानना होगा कॉम्प्लीमेंट के बारे में, कि कॉम्प्लीमेंट एक नंबर का क्या होता है। हमारे पास 2 डिजिट है 1 और 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1। अब है सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या स्टेप उठाते हैं।
find the complement of number that you have to subtract. To the complement of the number, add the number you are required to subtract from. If there is a carry 1, add the carry to the result of the previous addition and get the answer, else complement the sum and put a negative sign before the resultant number. इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखेंगे. एग्जाम्पल है 1010101-1001100. अब इसमें एक तो है कि जिससे सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं ये वो नंबर है, जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये नंबर है. इस नंबर में हम कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे, पर इस नंबर का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा. कॉम्प्लीमेंट यानी वन की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ज़ीरो, ज़ीरो की जगह पे वन, ज़ीरो की जगह पे वन, वन की जगह पे ज़ीरो, वन की जगह पे ज़ीरो, ज़ीरो की जगह पे वन और ज़ीरो की जगह पे वन. यहाँ पे हमने निकाला है कॉम्प्लीमेंट इस वाले नंबर का. तो ये आया 0110011. अब इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे. 1 1 हमारा होता है 0. पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 0 और कैरी होगा हमारा 1. कैरी हुआ 1 और ये 1 हो गया यहाँ पे 0. कैरी हुआ है अभी 1 यहाँ से 1 1 0. फिर से रिपीट करते हैं, कैरी हुआ 1, 1 1 आया 0, फिर कैरी हुआ हमारा 1. तो 1 और 1 यहाँ पे फिर हमारा क्या आया, 0 आया. फिर कैरी हुआ 1, 1 प्लस 0 प्लस 0, इट मीन्स ये क्या होगा यहाँ पे 1 होगा. अब कोई भी नंबर इधर कैरी करने को नहीं है, 1 प्लस 1 ये हुआ हमारा 0 और कैरी होगा 1. 0 प्लस 1 1 होता है और कैरी किया हुआ 1 में ये 1 ऐड करेंगे तो अगेन यहाँ पे आएगा 0. 1 कैरी हुआ, 1 प्लस 1 होता है 0. अब इसमें देखना क्या है, यहाँ पे कहा गया है इफ़ देयर इज़ अ कैरी ऑफ 1, ऐड द कैरी टू द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस एडिशन एंड गेट द आंसर. तो इस वाले केस में हमारा क्या है, कैरी 1 अभी आ रहा है, तो कहा ये कि हम कैरी यहाँ पे नहीं लिखेंगे. जितना कैरी आया है उसे हम, जो भी आंसर हमारा आया है उसके साथ फिर से हम लोग ऐड कर देंगे. तो कैरी यहाँ पे हमारा था 1, उस कैरी को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे. ऐड करने के बाद 1 प्लस 0 आएगा 1, 0 एज अ 0 रहेगा, यहाँ भी 0 0 रहेगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 0 होगा, फिर 0 और फिर 0. तो इसका आंसर आया 0 0 0 1 0 0 1. दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन. अब एक केस तो ये हो गया कि जिसमें हमने देखा कि हमारा कैरी आया था ऐड करने के बाद दोनों को. अब दूसरे केस पे आते हैं, दूसरे एग्जांपल के साथ. इस एग्जांपल में 0010011-1110011, जिससे करना है सब्ट्रैक्ट उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे. जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे. कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पे निकाला है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1 और 1 का 0. फिर इन दोनों नंबर को हम ऐड कर देंगे. 0 प्लस 0 होता है 0, 0 प्लस 1 होता है 1, 1 प्लस 0 होता है 1, 1 प्लस 1 होता है 0 और कैरी हुआ हमारा यहाँ पे 1. 1 प्लस 0 1 होता है और जो कैरी हुआ नंबर 1, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 0. कैरी हुआ है 1, 1 प्लस 1 हुआ यहाँ पे 0. कैरी हुआ 1 यहाँ पे हम लिखेंगे और 0 प्लस 0 हुआ 0. तो इसमें कैरी कोई भी नंबर
नहीं हुआ है। तो हमारा जो दूसरा रूल था उसमें ये कहा गया था कि अगर कैरी नहीं होता है तो कॉम्प्लीमेंट द सम एंड पुट अ नेगेटिव साइन बिफोर द रिजल्टेंट नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आंसर हमारा आया, इस नंबर का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, आंसर वाले नंबर का, और उसके आगे एक माइनस साइन लगाना है। तो यहाँ पे एक माइनस साइन हम लगाएंगे पहले, माइनस। अब ये ज़ीरो है तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वन, ये वन है इसका कॉम्प्लीमेंट होगा ज़ीरो, ये ज़ीरो 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 है तो कॉम्प्लीमेंट होगा वन वन वन, वन वन है कॉम्प्लीमेंट होगा ज़ीरो ज़ीरो, और यहाँ पे ज़ीरो है तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वन।